तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी। दोस्तों, मैं रजनी, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज था संडे और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा डिमांड अभी चल रही है रेट के बारे में, तो रेट से संबंधित एक वीडियो बना देते हैं। आज का वीडियो होने वाला है रेट की लेवल फर्स्ट के बारे में, पात्रता और लेवल फर्स्ट दोनों के बारे में मैं बात करूंगी। कौन सी बुक्स हैं जो अगर हमें रेट पास करनी है तो हमारे पास होनी चाहिए, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, जितनी मेरी समझ है, जितनी मैंने रेट पास करी थी और उसके अकॉर्डिंग तैयारी का स्तर कैसा होने चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो रीट के बारे में जो पहला सवाल हमारा होता है कि क्या हम रीट जो अभी पात्रता के एग्जाम है उसके लिए तैयारी करें या फिर हम मेंस के लिए तैयारी करें, है ना। दोनों की क्या अलग अलग तैयारी होगी या फिर दोनों की एक साथ में तैयारी होगी। तो जहां तक मैं समझती हूँ, रीट की पात्रता का 50% सिलेबस सेम है रीट की मेंस के। तो अगर आप बनना चाहते हो लेवल फर्स्ट का टीचर, तो मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ अभी पात्रता की तैयारी करोगे तो बेहतर है, और फिर अगर वेट करोगे पात्रता में पास हो जाते हैं तो हम सेकंड लेवल की मतलब मेंस की तैयारी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक समझदारी पूर्ण डिसीजन होगा, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। जो चीजें पात्रता में शॉर्ट में दी गई है वो ही मेंस के सिलेबस में रखी गई है। तो अभी से आपको ये डिसाइड करके चलना है, जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम नहीं है, उनका जो अभी तक जिन्होंने कभी एग्जाम की तैयारी नहीं करी, वो तो हाँ मे भी सिर्फ पात्रता पे जोर दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पिछली बार भी तैयारी करी थी, वो अगर सिर्फ पात्रता को लेकर चल रहे हैं तो गलत होगा। हमें पात्रता की जगह मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी पात्रता वाली, है ना। तो फर्स्ट चीज तो यहाँ क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज कि जब भी रीट के एग्जाम देने जाओ तो ऑब्वियस सी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना पात्रता में ना मेंस में। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है। नहीं आ रहा है तो भी करना है, और आ रहा है तो भी करना है। पात्रता की तैयारी, अगर आप सिर्फ पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि अगर आप कोई भी एक गाइड ले आओगे, मेरे हिसाब से लक्ष्य की गाइड अच्छी होगी। अगर आप सिर्फ पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो एक गाइड से भी आप पात्रता की एग्जाम पास कर सकते हो। तो अगर जो बच्चे नए हैं और जिनको अभी सिर्फ पात्रता के बारे में ही तैयारी करनी है, तो आई थिंक गाइड से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या मैडम रेट की तैयारी के लिए हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग लेनी चाहिए, है ना। तो देखो, अगर आप सक्षम हो और अगर आप थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप ऑनलाइन किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि रीट के बैच कोई ज्यादा महंगे होते नहीं है। अगर आप मेंस का बैच भी ज्वाइन करोगे तो भी पात्रता निकल जाएगी उसमें। दूसरी चीज की अगर आप सक्षम नहीं हो और आपको लगता है कि नहीं ऑनलाइन, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू इतना नहीं पढ़ सकते हैं, अगर हमारे पास में मैटर उपलब्ध है तो हम सेल्फ स्टडी अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सारी चीजें परोसी हुई मिल जाए, तो आप किसी भी कोचिंग के, किसी के भी, जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी इन दिनों ट्रेंड में है, चाहे उत्कर्ष वाली हो, चाहे कौटिल्य क्लासेस हो, किसी के भी, चाहे कलाम क्लासेस हो, किसी के भी, आप ऑनलाइन ऑफलाइन उनके नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो मंगवा सकते हो। और अगर आप खुद समझदार हो तो उनके थ्रू आप पढ़ सकते हो, क्योंकि फिर आपके पास में मैटर सामने होगा, अब आपका काम बचेगा सिर्फ पढ़ने का। तो वो भी पढ़ाई का एक अच्छा माध्यम है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि इस वक्त मुझे ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए क्या, तो मैं ये कहूंगी कि ऑनलाइन कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में यार बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम वीडियो देखते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सिर्फ देखने से तो किसी को याद हो नहीं जाता, और देखने और लिखने में बहुत टाइम खराब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी बेहतर होगी, और रीट के लिए हमारे पास सक्षम चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। सबसे पहले आप मैटर उपलब्ध कर लो अपना, मतलब इकट्ठा कर लो, और उसके बाद में तैयारी शुरू कर दो। अब मैटर क्या होने वाला है रीट के लिए, ऐसा मैटर होना चाहिए जो हमारी मेंस में निकाल दे और हमारी प्री भी निकाल दे। तो मैं जहां तक समझती हूँ कि अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आपकी प्री तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। तो हम यहाँ पे मेंस की ही बात करेंगे, और मेंस के अकॉर्डिंग ही जो मैटर मैं बता रही हूँ वही लेके चलेंगे, और उससे प्री निकल जाएगी। कोई इतनी घबराने और सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि 50% सिलेबस पात्रता वाला ही है, बस उसी सिलेबस को थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया है, मेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो रीट लेवल फर्स्ट में जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जो सबसे बड़ा सिलेबस में हमारे पार्ट है, जो लगभग 100 नंबर का है, वो राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और राजस्थानी भाषा। ये तीन चीजें हमारे सिलेबस में बड़ी हैं, और अगर इसी में हम राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RTE और करंट अफेयर मिला दें,
दोनों मिलकर 180 के हो जाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो रीट है उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है राजस्थान का, है ना। तो जो राजस्थान वाली बुक है ना, राजस्थान वाला जो पार्ट है जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति है, इसके लिए अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो लक्ष्य की जो गाइड आती है वो बेहतर गाइड है। मैंने उसमें से, मैंने मतलब हर एक एग्जाम के लिए आज तक मैंने जो भी एग्जाम पास करी है, चाहे वो RS प्री हो, चाहे RS मेंस हो, और चाहे SI वाली एग्जाम हो, चाहे रीट की एग्जाम हो, तो मैंने हर एक एग्जाम के लिए, चाहे मतलब जो जिनमें भी राजस्थान आती है, हर एक एग्जाम के लिए मैंने राजस्थान की तैयारी लक्ष्य वाले गाइड में से ही करी थी। आप लक्ष्य की गाइड खरीद सकते हो, भरोसा कर सकते हो, भरोसेमंद चीज है, गलत चीजें नहीं आती है। साथ ही लक्ष्य की गाइड का एक फायदा ये होता है कि उसमें ना पीछे हर एक टॉपिक के पीछे ना क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जो पुराने पेपरों में आज तक उस टॉपिक में से आए हैं, तो उसमें हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। ये चीज बहुत अच्छी दे रखी है लक्ष्य की गाइड में, इसलिए मैं लक्ष्य की गाइड पे हमेशा से पढ़ती भी आई थी पहले भी, और मुझे भरोसा भी है कि लक्ष्य की गाइड हमारी तैयारी में ठीक ठाक सहयोग करती है। दूसरा, अगर आप क्लासेज मतलब हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, तो जो मेरे कलीग्स हैं या फिर जो अभी पास होके आए हैं रीट में, उनसे मैंने पूछा था, तो एक मतलब जो अभी रीट में जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंग कौटिल्य क्लासेज के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, राजस्थान GK के लिए शॉर्ट भी हैं और बहुत सारे फैक्ट भी उनमें दिए हुए हैं। तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स खरीद के पढ़ना चाहते हो कि आपको अगर खुद से मेहनत नहीं करनी या फिर गाइडों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो आप कौटिल्य क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स खरीद सकते हो। बहुत अच्छा लिख रखा है, मैंने नहीं पढ़े हैं लेकिन रिव्यू उनका बहुत अच्छा है। जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं हमारे स्कूल में भी, जो टीचर्स वगैरह हैं, उन्होंने मुझे मतलब बताया है इसके बारे में। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी आती हैं, अशोक सर करके एक सर हैं जिनकी रेट की राजस्थान GK की ऑनलाइन क्लासेस आती हैं, तो उनकी क्लासेस भी बहुत अच्छी हैं। साथ ही मैंने तो लक्ष्य की गाइड पढ़ी है, लेकिन बहुत सारे रीट में पास होने वाले बच्चे दीनदयाल पब्लिकेशन की जो गाइड है उसके बारे में बोलते हैं कि मैडम ये गाइड बहुत अच्छी आती है और बहुत सपोर्ट करती है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पड़ते भी हैं रीट के एग्जाम में। तो आप अगर गाइड लेना चाहो तो या तो रीट की ले सॉरी लक्ष्य की ले सकते हो, या फिर दीनदयाल पब्लिकेशन की कोई बुक ले सकते हो, दोनों अच्छी हैं और दोनों आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, क्लासेस लेना चाहो तो अशोक सर की क्लासेस हैं वो ले सकते हो, या फिर क्लासेस तो छोड़ दो, राजस्थान GK के लिए क्या ही क्लासेस लेनी है यार। आप अगर हैंड रिटन नोट्स मंगवाना चाहो तो मैंने सुना है कौटिल्य क्लासेस जो है KRP पब्लिकेशन की, उनके हैंड रिटन नोट्स बहुत सही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य जो दूसरा टॉपिक है जो हमारे 80 नंबर का है, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है इसमें, जिसमें RTE आता है और राजस्थान के करंट अफेयर्स आते हैं। तो RTE वाला जो एक्ट है ना, वो आप किसी भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हो। अजय चौधरी सर ने भी, मैंने तो स्पेशल RTE वाला एक्ट अजय चौधरी सर के नोट्स मतलब उनकी क्लासेस से पढ़ा था, तो अजय चौधरी सर ने बहुत सही बता रखा है, बहुत सही बता रखा है, मतलब बहुत जो भी RTE की मेन बातें हैं और अच्छे से समझा भी रखा है। तो मैंने तो अजय चौधरी सर से, राजस्थान GK वाई अजय चौधरी सर की क्लासेस थी, उनसे RTE एक्ट पढ़ा था। और भी बहुत सारे क्लासेस, आप RTE एक्ट के नाम से सर्च करोगे, RTE एक्ट फॉर रीट यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो आप छाप लेना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार RTE एक्ट में, क्योंकि पर्टिकुलर लिखा रखा है हमारे सिलेबस में, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन तो आएंगे उसमें से। इसके अलावा राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए मैंने हमेशा कहा है कि राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ मूमल पे आप डिपेंड रह सकते हो, मूमल के अलावा कहीं बाहर नहीं जाते हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स, है ना। तो मैंने तो हमेशा मूमल से पढ़ा है, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं भाई मूमल से। तो मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो राजस्थान के करंट अफेयर्स, तो कोई अखबार मत पढ़ो, कोई चैनल मत देखो, किसी पे भरोसा मत करो, जबरदस्ती चैनल वाले बेवकूफ बनाते हैं राजस्थान के करंट अफेयर पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना करंट अफेयर होता ही नहीं है भाई हमारे पास में कि हम रोज रोज राजस्थान के बारे में बता सके, ना ही आपको अखबार में मिलेगा डेली राजस्थान के बारे में इतना करंट अफेयर। आप सिर्फ मूमल खरीदो, मासिक खरीद लो, चाहे वार्षिक खरीद लो, और उसमें उसको रटते रहो बस, है ना, उसमें से ही आते हैं, है ना। और जो सेकेंड अपना बड़ा पार्ट है
वो हम बोल सकते हैं विद्यालयी विषय। विद्यालयी विषय में जैसे सामाजिक ज्ञान या जो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, साइंस भी हो सकते हैं आपके, लेकिन मेरे सामाजिक ज्ञान था तो मैं सामाजिक ज्ञान के बारे में ही बता सकती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 6th से लेकर 10th तक की, अभी जो राजस्थान की स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल है उनमें RBSE की जो बुक्स चलती है, जो NCERT ही चलती है ना, वो उसमें से आप तैयार कर सकते हो। क्या जो अपना सामाजिक विज्ञान है, आप अपने सिलेबस के अनुसार टॉपिक उठाइए और देखिए 6ठी से 12वीं की कौन सी किताब में वो टॉपिक है, और अपने नोट्स तैयार करिए। सामाजिक विज्ञान के लिए मैं पर्टिकुलर बोलूंगी RBSE की किताबों में से ही तैयार करिए, क्योंकि उन किताबों में ना तो कोई गलती आती है और ना ही मतलब उनसे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ जाता है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप रेट के पुराने पेपर की कोई मॉडल बुक, प्रैक्टिस पेपर खरीद सकते हैं जिसमें कुछ प्रैक्टिस पेपर हो, कुछ पुराने पेपर हो, जिससे आपको मदद मिल जाएगी कि क्या आप नोट्स बना रहे हैं वो उस हिसाब से क्वेश्चन पुराने आए हैं, क्योंकि पेपर हमेशा एक जैसा ही आता है, कोई बहुत ऐसे अलग पेपर आता नहीं है, मतलब शैली वही होती है पेपर की। तो उसके साथ साथ अपने नोट्स बनाने के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो पुराने पेपर से, मॉडल पेपर से, कि क्या मैं सही तरीके से नोट्स बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा, तो उस हिसाब से आप चल सकते हो। तो मुझे लगता है अगर आप कोई भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे SST है या और कोई भी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ राजस्थान अपने जो स्कूलों में चलती है गवर्नमेंट स्कूलों में 6 से 12 तक की, तो 12वीं तक की भी नहीं पढ़नी है, 6 से 10वीं तक की किताबें पढ़ लो सामाजिक विज्ञान वाली, और उनको पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ के अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उससे आपकी सामाजिक विज्ञान क्लियर हो जाएगी। किसी पर डिपेंड मत रहो भाई, सामाजिक विज्ञान के लिए मेन सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपको हर छोटी से छोटी चीज पढ़नी है, तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक कॉपी अपनी तैयार करो इसके लिए, ठीक है। और क्या था, और आपकी शिक्षण विधियाँ थी, शिक्षण विधियों के लिए तो मैं सिर्फ वो कहूंगी कि आप गाइड खरीद सकते हो यार, कोई भी अवनी पब्लिकेशन की गाइड सब अच्छी बताते हैं शिक्षण विधियों के लिए, तो आप खरीद सकते हो वहां पे। साइकोलॉजी के लिए यार मैं तो देखो, मैंने पढ़ी थी हमेशा अजय चौधरी सर से। अजय चौधरी सर ने बहुत सरल आसान शब्दों में बहुत सारे पेपर भी करवा रखे हैं अपने चैनल पे। रीट की साइकोलॉजी ही मैंने जिंदगी में पहली साइकोलॉजी पढ़ी थी, और तभी मुझे अजय चौधरी सर का चैनल मिला था, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है सर ने, इतनी शॉर्ट लैंग्वेज, इतनी स्वीट लैंग्वेज, बस उनको उनके वो जो नोट्स पढ़ा रहे हैं ना, उनको अपनी कॉपी में उतार लो, रट लो, लेकिन इसके साथ ही करनी है आपको प्रैक्टिस। अजय चौधरी सर ने बहुत सारे पेपर सॉल्व करा रखे हैं साइकोलॉजी के, हर एक टॉपिक जब वो पढ़ाते थे तो उसके पीछे उसके 10 20 30 क्वेश्चन करवाते थे। प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि क्या हमारी तैयारी सही दिशा में जा रही है, क्या हम पढ़ रहे हैं तो उसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो वेट मत करना कि जिस दिन मेरा सिलेबस पूरा होगा तब मैं क्वेश्चन पेपर करने लगूंगा, तब मैं पेपर दूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। साथ साथ चलो, जो भी आप पढ़ रहे हो प्रैक्टिस जरूरी है, करते रहना, है ना। और अगर अजय चौधरी सर का समझ में नहीं आता तो वंदना जाधव मैम तो फेमस है यार साइकोलॉजी के लिए, तो आप ऑनलाइन वंदना जादौन मैम की क्लासेस ले सकते हो, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, और उनके खुद के कोर्सेज चलते हैं तो आप खुद का कोर्स भी उनका खरीद सकते हो, तो वहां से आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। बट मैंने पर्सनली वंदना जादौन मैम की बुक भी मिल जाएंगी आपको, नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएंगे, बट मैंने नहीं पढ़ा भाई उनसे, तो मुझे नहीं पता मैडम कैसे पढ़ाते हैं, बट फेमस है और सब पढ़ते भी है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या रह गया, ये हो ही गया लगभग, मोटी मोटी चीजें यही है। रही बात हिंदी इंग्लिश की, है ना, तो हिंदी हमेशा मैं कहूंगी 9 से 12 की हिंदी व्याकरण है, उसको ऐसा रट लो, ऐसा रट लो कि चाहे वो रीट की हिंदी हो, चाहे वो SI की हिंदी हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर की हिंदी हो, सबकी हिंदी कवर हो जाए। 9 से 12 की पतली सी है हिंदी व्याकरण, उसको रट लो भाई साहब, है ना। और उसके अलावा कुछ नहीं आता हिंदी व्याकरण में, इतनी आसान लगेगी और उसमें से लगभग क्वेश्चन कवर हो जाते हैं रीट में। तो मैं बड़ी एग्जाम की बात नहीं करूंगी, बड़ी एग्जाम में हम राघव प्रकाश सर की बुक को लेके चलना ही पड़ेगा, लेकिन रीट में कवर हो जाएंगे, उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई क्लासेस मत लो, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ 9 से 12 की एक किताब आएगी हिंदी व्याकरण की, वो पढ़ लो, ठीक है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भाई सबकी वीक है, मैंने तो स्पेशल इंग्लिश नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे मेंस में चलती थी, तो मैंने स्पेशली राघव सॉरी रस्तोगी वी के रस्तोगी सर की बुक आती है इंग्लिश की, तो मैंने वहां से तैयारी करी थी। वो तो मतलब ऑब्वियसली सबकी बाप है वो किताब, तो सिर्फ जो रीट की तैयारी करने वाले हैं उन बच्चों को तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ 3rd ग्रेड के लिए आप राघव प्रकाश रस्तोगी सर को पढ़ो, क्योंकि रस्तोगी सर की भाई
हार्ड भी पड़ती है, वो नहीं पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा उसमें पर्यायवाची इंग्लिश के बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो आप सिखवाल की गाइड आती है तो वहां से आप थोड़ी इंग्लिश कवर कर सकते हो, उसमें से पढ़ सकते हो, थोड़ी आसान भी आती है और थोड़ी छोटी भी आती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें इसमें कवर करती है रीट की। अब देखो, अगर एक एक क्वेश्चन ये आता है कि जोर किस पे देना है, जोर आपको राजस्थान पे देना है, राजस्थान का आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए, खूब पेपर सॉल्व करने हैं आपको राजस्थान के, और किस पे जोर देना, आपके सब्जेक्ट पे, सामाजिक विज्ञान का आपको सब कुछ आना चाहिए, कि अब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपका कुछ भी गलत नहीं हो, इतनी सामाजिक विज्ञान आनी चाहिए, हिंदी, हिंदी में भी सब कुछ आना चाहिए आपको, है ना, हिंदी भी बिल्कुल भी गलत नहीं हो। अगर आपको लग रहा है 9 से 12 की हिंदी व्याकरण कम पड़ रही है तो कोई गाइड खरीद लो, ठीक है, उसमें से और प्रैक्टिस कर लो, और आपकी तैयारी बेहतर कब बनेगी, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे। मॉडल पेपर ले आओ भाई, पुराने पेपर को कि एक सेट ले आओ, एक मॉडल पेपर का सेट ले आओ, और डेली पेपर दे आओ, डेली, इससे बेहतर रणनीति कोई नहीं होगी कि डेली पेपर देना है, ठीक है। एक चीज ये कि हाँ, अगर आपने आपने पिछली बार पात्रता दी थी तो क्या आपको इस बार पात्रता देनी चाहिए, तो बिल्कुल देनी चाहिए, स्कोर बढ़े तो बहुत अच्छा है, और अगर स्कोर इस बार कम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने वाला पात्रता का सर्टिफिकेट लगा देना, वो भी चलेगा, है ना, लेकिन देनी क्यों चाहिए, ताकि आपको अपना लेवल पता रहे और आपका स्कोर इम्प्रूव होना चाहिए पिछली बार के मुकाबले। अगर आपका घट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, एक आध नंबर का फर्क पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा घट गया है तो इसका मतलब आप इस बार पिछली बार से ज्यादा कमजोर हो, तो आपको तैयारी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और देना क्यों चाहिए, क्योंकि तैयारी में सहयोग मिलेगा, क्योंकि दोनों पेपरों का सिलेबस सेम है, और अगर एग्जाम सर पे होती है ना तो हम थोड़ी ज्यादा तैयारी करते हैं, तो पहले पात्रता होएगी तो एग्जाम जैसे जैसे पास आएगी हमारी तैयारी की स्पीड बढ़ती जाएगी, अगर हम पात्रता की देंगे नहीं तो वो बर्डन ही नहीं आएगा, फिर हम कछुए के चांसेस धीरे 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 चलते रहेंगे, इसलिए पात्रता सबको देनी है, सबको, पिछली बार क्लियर हुआ तो भी देनी है, नहीं हुआ तो भी देनी है, और अगर पिछली बार से कम नंबर आते हैं तो मैंने बता दिया, पिछली बार वाला चल जाएगा, रिपोर्ट कार्ड कोई इशू नहीं है, है ना। और साथ ही मैं कहूंगी, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी ऐसी, पहली बात तो मेंस की ही तैयारी करनी है, तैयारी ऐसी करो कि सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो ना तो इस बार सामाजिक विज्ञान का जो नोट्स बनाया ना वो इतने डीप बनाओ, हर एक चीज पढ़ो उसमें से, और हर एक चीज को मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है सब लिख लो, कि भविष्य में चाहे मुझे सेकंड ग्रेड में और चाहे मुझे फर्स्ट ग्रेड में सामाजिक विज्ञान की जरूरत पड़े तो मैं मेरी इस कॉपी को ही खोलूंगा, इसके अलावा मुझे कभी वापस से किताबें उठा के नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो तो इतनी रटो कि चाहे SI में जरूरत पड़े मुझे वापस से, चाहे फर्स्ट ग्रेड में पढ़े, मैं ये ही हिंदी पढ़ूंगा, इतनी रटम रटा होनी चाहिए आपकी चीजें, क्योंकि भाई हर चीज में कंपटीशन बढ़ रहा है, अपना 100% क्या 200% दोगे तब सिलेक्शन होगा, है ना, और सिलेक्शन लेना हमारा अंतिम और एक ही लक्ष्य है, ठीक है। और रही बात की घबराहट होती है या डर लग रहा है मैडम, है ना, आगे वाला पढ़ते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं, तरीका वही है, सबका दिमाग सेम ही होता है, ना मेरा अलग है ना आपका अलग है, मैं भी अगर कोई किताब को 1 महीने पहले पढ़ी हूँ और अब मैंने दूसरा सब्जेक्ट शुरू किया है तो मैं ऑब्वियस सी बात है पहले वाला भूल जाऊंगी, है ना। करना क्या है उसके लिए, भाई आपको जो आप नोट्स बना रहे हो तो दूसरा सब्जेक्ट जब शुरू करो तो पहले वाले के जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। नोट्स किसके बनाने, हिंदी इंग्लिश के तो बनाने नहीं है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो डायरेक्ट किताबों में पढ़नी है, साइकोलॉजी के बनाओगे कोई भी चैनल देख के, और राजस्थान के बना लो या फिर खरीद लो राजस्थान के, है ना, या फिर नहीं खरीद रहे तो बना लो, है ना, और अपने सामाजिक विज्ञान के बनाओगे तो इनके ही तो बनाओगे, है ना, शिक्षण विधियों के बनाने नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि शिक्षण विधियां तो छोटी सी आती है, इतनी कोई आती नहीं है, तो जो गाइड ले होगे ना उसमें भी शॉर्ट लिखी हुई होगी, उससे शॉर्ट अपन क्या ही लिखेंगे, तो उनको तो रटना है, ठीक है। और तो अपने शॉर्ट नोट्स या नोट्स जो भी बना रहे हो उनको बार बार पढ़ो, जितनी बार आप उनको पढ़ोगे ना उतना ही जल्दी पढ़ने लगोगे। एक बार अगर एक कॉपी को पढ़ने में आपको 5 दिन लग रहे हैं ना, दूसरी बार 3 ही लगेंगे, अगली बार 2 लगेंगे, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप 2 घंटे में एक कॉपी आराम से, क्योंकि आप उस कॉपी को इतनी बार पढ़ चुके हो कि आपको अच्छी तरह से याद हो चुकी है। तीसरा तरीका है कि पढ़ते कितने ही रहो, जब तक आप अपनी परख नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, और परख कैसे करोगे, टेस्ट दे दे के परख करोगे, दिन कभी वेट मत करना वही, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई चाहे ऑनलाइन टेस्ट, मैंने तो कभी आज तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए भाई, क्या करती थी मैं तो वही कि भाई ऑनलाइन टेस्ट देंगे और उसे कम नंबर आएंगे, टाइम पे जाना, टेस्ट का डर होना, इतना सब रहेगा, क्यों ही झंझट लेना है यार, मैं मेरी किताब ला रखी है उसको एकदम पेपर के अकॉर्डिंग दूंगी, वैसे ही बैठ के कि मुझे एक साथ ये 150 प्रश्न करने हैं तो करने हैं,
ना, इस तरह से दो और उसमें अपना स्कोर चेक करते रहो। कमी है तो भी हमारे पास ही है, अच्छा ही है तो भी हमारे पास ही है, ठीक है, कमी लग रही है तो सुधार करो उसमें अपने। और कुछ लोग कहते हैं कि मैडम टेस्ट दे रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कम आ रहे हैं, शुरू में सबके कम आते हैं, जब देते जाओगे तो वही टेस्ट पेपर ही याद हो जाएंगे हमको, अपने आप स्कोर सुधरता जाता है और तैयारी भी तो बढ़ रही है डेली टू डेली, तो अपने आप चीजें सही होती जाती है। भाई बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बहुत फायदा हो जाता है हमारा टेस्ट देने का, कि 8-7 क्वेश्चन तो पुराने एग्जामों में पूछे हुए ही आ जाते हैं, तो वो तो वैसे याद होते हैं अपन को, बहुत सारे क्वेश्चंस का अंदाजा लगने लग जाता है रोज टेस्ट दे दे के, हाँ ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से रीट के लिए इससे बेस्ट रणनीति नहीं हो सकती। लिमिटेड देखो, 5 मूल मंत्र बताती हूँ मैं आपको, 5 चीजें बताती हूँ जो रीट पास करने के लिए जरूरी होनी चाहिए। पात्रता की तैयारी अलग से नहीं करनी, मेंस की तैयारी करो, ठीक है, मेंस की तैयारी के साथ पात्रता की तैयारी हो जाओगी, क्योंकि जो मेंस में सिलेबस 100% है तो पात्रता में 50% है उसी का, ठीक है, तो आपको मेंस लेके चलनी है। दूसरी चीज, करंट के लिए आपको कोई सोर्स नहीं पढ़ना मूमल के अलावा, मूमल कब से कब की पढ़नी है, अभी एक वार्षिकांक खरीद लो जो भी लेटेस्ट आया हुआ है, उसके बाद में जब भी एग्जाम हो तो आप उससे जस्ट 1 महीने पहले की मूमल खरीद लेना, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट आरपीएससी कभी नहीं पूछती है हमसे, कोई भी मतलब करंट में लेटेस्ट कभी नहीं पूछती है, तो करंट अफेयर्स को साथ लेके चलना है। आरटीई वाला जो एक्ट है ना उसको रट लेना, उसकी एक एक चीज आपको रटी हुई आनी चाहिए। अजय चौधरी सर ने अच्छा पढ़ा रखा है, आपको कहीं और से अच्छा मिलता है तो आप एक अपना 10 पेजों का 5 पेजों का आरटीई का अलग से नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं आरटीई में से। राजस्थान वाली चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाओ राजस्थान के, या फिर हैंड रिटन नोट्स अगर किसी में से मिलते हैं तो वो बनाओ और उनको रट लो। अपना सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की किताबों में से पढ़ो जो राजस्थान में चलती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल में चलती है एनसीईआरटी वाली, और उनके नोट्स बना के तैयार रखो। तो सिर्फ राजस्थान और आपका सब्जेक्ट प्लस हिंदी, हिंदी जरूरी है, 9 से 12 की हिंदी व्याकरण आपको रट्टम रट्टा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और आपको मूमल कम से कम 1 साल के जो मूमल का एक वार्षिक अंक वो रटम रटा होना चाहिए। हमारी आरपीएससी की आदत है पुरानी जेके पूछने की, तो अभी से लग जाओ चाहे मेरी तरफ से तो, कि एक मूमल खरीद लो, उसके डेली के 5 या 10 पेजों का टारगेट रखो। तो ये 5-6 चीजें आपको रेट में लेकर चलनी होंगी, सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे मॉडल पेपर ले आओ, चाहे पुराने पेपर ले आओ, चाहे ऑनलाइन करो, कैसे भी करो, लेकिन डेली का एक टेस्ट देना है ताकि आपको अपना रिजल्ट पता चलता रहे, ठीक है। ये चीजें अपनाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक सकता है रीट में पास होने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगा, रीट के मदद करेगा रीट में पास होने के लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।